हे हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। जय श्री गुरु महाराज एंड राधे राधे। सो आज है 5th of October। तो आज है मुझे सुन्नी यूनिवर्सिटी में कोई फेस्ट और मुझे वहाँ पे बुलाया गया है एज अ जज। अभी मैं सर के साथ जाऊँगी। आई डोंट नो मैं क्या बोलूँगी। वैसे तो आई नो व्हाट टू से व्हाट नॉट टू, बट मेरे को ऐसा लगता है कि यू नो यू कांट से नो टू यू नो परफॉर्मर्स हु आर ऑन द स्टेज, हु आर परफॉर्मिंग, हु आर यू नो गिविंग द बेस्ट शॉट और हु आर प्रिपेयरिंग दिस थिंग फ्रॉम लास्ट आई डोंट नो हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी मंथ्स। तो इस चीज़ के लिए वो प्रिपेयर करें। यू कांट से नो दैट एंड यू ऑल्सो कांट से कि यू आर नॉट गुड। सो हाउ गुड आई एम सबको पता होता है अपना, ठीक है। सो यू नो एक जजिंग तो एक प्रेशर आ जाता है कि एक होता है ना नॉर्मल लाइफ में आप लोग सबको बोलते हो डोंट जज एनीवन एंड हियर आई हैव टू जज। सो या बट मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी ये चीज़ देख के कि नहीं गर्ल्स, मुझे सबसे ज़्यादा तो गर्ल्स दिखनी चाहिए क्योंकि गर्ल्स बहुत इनिशिएटिव लेती हैं जब कुछ भी किसी भी प्लेटफॉर्म में आने का, तो मौका ही नहीं छोड़ती हैं फिर। और दूसरी चीज़ ये कि मैं कल ही पहुँची हूँ गाज़ियाबाद से यहाँ पर और राइट नाउ आई एम वेरी 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 बीमार बिकॉज मेरे को थोड़ा सा गले में भी प्रॉब्लम है बिकॉज वायरल सा फैला हुआ था। वो यहाँ पे भी कुछ खास है नहीं, यहाँ पे भी तबीयत सबकी ख़राब ही है। तो मैं अपनी तबीयत को शुद्ध करते हुए और कृष्णा को बोलते हुए कि कृष्णा आज का दिन बहुत अच्छा जाना चाहिए और ये फेस्ट 3 दिन तक चलता रहेगा, तो आई एम गोइंग टू अपडेट यू डेली गाइस। सो लेट्स गो। चलो सो गाइस, क्योंकि मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है तो आज भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। तो मेरे साथ हुआ क्या मैं आपको थोड़ा विस्तार में बताती हूँ। मैंने मेरे भाई को बोला था कि प्लीज़ तू नीचे आ जाइए मुझे लेने, क्योंकि ड्रेस में मैं ऊपर नहीं जा सकती हूँ, और वो नहीं आया और मुझे ऐसे जाना पड़ रहा है अब। हे भगवान, हो गया मेरे साथ। फिर मुझे सर लेने आ गए थे तो मैं गाड़ी में बैठ गई और उसके बाद हम लोग शोली यूनिवर्सिटी के लिए जाने लग गए। बीच की वादियाँ इतनी सुंदर थी कि मैं अपने फ़ोन को रिकॉर्डिंग करने से रोक ही नहीं पाई। फिर मैं अपना क्राउन दिखाने लगी कि वाओ मेरा क्राउन कितना ब्यूटीफुल है, मैंने कितनी मेहनत से जीता है। फिर मैं ट्राई कर रही थी कि चलो इसको पहन के देखती हूँ कैसा लगेगा। तो फिर मैंने पहन के देखा तो मुझे कुछ खास तो लग ही रहा था, पर मतलब मुझे लगा कि नहीं, तो फिर मैंने उतार ही दिया। तो फिर उसके बाद मैं ऐसे ही सोचा मैंने कि ऐसे ही चली जाऊंगी, बट मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी और नर्वसनेस मेरे फेस पे दिख ही रही होगी और उसके बाद शुल्ली यूनिवर्सिटी हमें दिख गई और शुल्ली यूनिवर्सिटी दिखने के बाद मेरी नर्वसनेस और तेज़ हो गई, दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लग गया क्योंकि यूनिवर्सिटी जज करने में पहली बार जा रही थी। तो यू नो आई वॉज़ रियली वेरी एक्साइटेड। मैं अपना सैश बार बार ठीक कर रही थी और बहाना ढूंढ रही थी अपने आप को फिक्स करने का। और उसके बाद हम लोग ऑफिस चले गए, वहाँ पे हमें फ़ाइल्स पकड़ा दी गई। फाइल्स में हमें बताया गया कि कैसे स्कोरिंग करनी है, व्हाट विल बी द क्राइटेरिया और क्या कैसे कैसे हमें नंबर देने हैं। तो ये अश्विन सर बहुत एक्साइटेड है और मैं भी बहुत ज़्यादा। राइट नाउ हमें बताया गया है कि हमें कैसे जज करना है कि ओवरऑल व्हाट शुड बी द कंटेंट एंड हमें किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उनको नंबर देना है। सो राइट नाउ वी आर इन द कैंटीन एंड हैविंग सम स्नैक्स और इसके बाद हम जाएंगे जज पैनल पे, मी एंड मंत्री। वो डाल के बनाए थे पराठे, पन्नी में मेथी मेथी थी हमका। हम लोग पहुँच चुके हैं और हम लोग कर रहे हैं जजिंग, और पहले हम खुद को जज कर रहे हैं कि हम अच्छे लग रहे हैं कि नहीं उसके बाद अभी लाइट चली गई है तो जनरेटर ऑन करवा रहे हैं। वाओ, मैं ये सब व्लॉग कर पा रही हूँ गाइस, कैन यू सी? पीछे व्यूज तो दिखा, ऊपर भी है, ऊपर भी है, झाड़ियों के पीछे 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 तक। फिर यहाँ पे इन लोगों की परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले बायोटेक इंजीनियरिंग वाला डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट कर रहा होता है और वो परफॉर्म कर रहा होता है और उन्होंने बहुत अच्छे से स्टार्टिंग करी होती है अपनी, और मैं इन लोगों को देखती रह जाती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे एंड आई वॉज़ रियली वेरी एक्साइटेड कि वाओ, मतलब वाओ। खाने में
एक बस तू मिल जाए, फिर क्या रखा है जमाने में। सारे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे बिकॉज ये सारे 2 बजे से बैठे हुए थे यहाँ पे और अभी बज रहे हैं अराउंड 7:30। राइट नाउ अब हम चले वापस बिकॉज हमें घर भी तो जाना है एंड बहुत अच्छा लगा आज जज करके एंड उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा आज इंजॉय करके। हमने जज कम किया है, इंजॉय ज़्यादा किया है। ये याहू भाई किया, अब यहाँ चाय पीने आई थी और डांस सीखने आई थी ताकि जय